إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الله رب العالمين كي حمد الثناء بعد. अल्लाह के शुक्र के बाद मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं हूँ जुबैल दावा सेंटर का और उसके ज़िम्मेदारान और मतवन का खसूस फ़दीलतुल शेख मुख्तार मदनी हफि का जिन्होंने इस मुफ़ी दौरे का इनका और हम सब के लिए मौका फ़राहम किया कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लाम की तलीमत को बातों को कहें और सुने जिसके ज़रिए से हमारे इल्म में हमारे ईमान में हमारे अखलाक में बेहतरी आए इसमें इजाफा हो तरक्की हो आज से एक बहुत ही उम्दा किताब जो जैसा कि शेख ने बताया मदारिस में आम तौर से सरफ़ी मदारिस में किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है इस किताब का आखिरी हिस्सा जो हाफि बबिन हजर रही ने किताब अजाम के नाम से मुकर किया है इस किताब के इस हिस्से को हम इन तफसील से इसमें जो मसाइल है, इस हैं इसमें जो बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे किताबल जाजाम गलूकमराम का आखिरी हिस्सा है जिसमें तकरीबन एक सौ बत्तीस हदीसें हैं हदीसों का नंबर मुख्तलफ़ तबा के अतबार से अलग अलग हो सकता है इसलिए कि बाज़ात जैसे इमाम इबन हजर रहम् किसी हदीस को जिक्र करने के बाद ज़िमनन कुछ और हदीसें भी जिक्र करते हैं या टुकड़े जिक्र करते हैं बाद लोगों ने उसको उसी हदीस के उसी नंबर के तहत रखा है और बाद लोगों ने जब उसको प्रिंट किया है या तहक़ीक़ की है तो उसको मुस्तकिल हदीस के तौर पर अलग से नंबर दिया है इस एतबार से हो सकता है कि किताबों में नंबर का फ़र्क हो जैसा मुस्लिम में आम तौर से होता है सही मुस्लिम में तो इसलिए बाद लोग ये शक में आते हैं कि नंबर इसमें कम ज़्यादा क्यों है फ़लां किताब में ज़्यादा हैं इसमें कम है उसकी वजह यह है कि जो महक् उस किताब का होता है और जो नाशिर होते हैं वो लोग या तो एक हदीस के ज़िमन में सारी हदीसें ले आते हैं जो टुकड़े होते हैं या फिर उसको अलग से एक नंबर देते हैं जिससे नंबर का फ़र्क़ हो जाता है इन शह यहाँ ये यह मसला नहीं होगा इसलिए कि हम हर बाब के तहत एक दो तीन इस तरह से नंबर हम उसको देंगे ताकि आसानी सबके लिए हो जाए किताबल जाजाम इमाम आ, इबन हजर से पहले इमाम मालिक ने भी अपनी मत् में इस तरह से अख़ीर में एक हिस्सा क़ायम किया है और इसमें भी उन्होंने इसी तरह की अखलाक से मुतलिक हदीसें जमा की हैं तो इबन हजर से पहले इमाम मालिक ये काम कर चुके हैं इस किताब में कुल जैसा कि शेख ने बताया इस किताब में कुल छः हिस्से हैं और छः अबवाब हैं इसमें एक बाब है किताब अदब बाबुल अदब इसी तरह से अलब्रवसला अदब में बाज़ आदाब हैं जो सलाम से मुतालिक, मजलिस से मुतालिक या इस तरह से उठने बैठने चलने फिरने से मुतालिक हैं दूसरा हिस्सा दूसरा बाब उसमें हैं अलब्रसला जिसमें अखलाक और सिला रहमी से मुतालिक कुछ बातें हैं फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा है, तीसरा बाब है आज़ोहदुलवरा इसमें दुनिया से दूरी दुनिया की महबत में कमी या इसी तरह से तकवा से मुतलिक चीज़ें हैं चौथा बाब इसमें है अतरहीब मिन मसाव अखलाक बुरे अखलाक से आ, बचने के ताल्लुक से तरहीब इसमें है डरावा उसमें है उसकी वईद उसमें बयान की गई है पाँचवा पा हिस्सा उसमें है अ अखलाक आला और ऊँचे अखलाक की तरगीब तो जो अच्छी बातें हैं वो उस उसमें जिक्र की गई जो अखलाक से मुतल है और छठा और आखिरी जो हिस्सा है वह है अिक्रद्वा तो इसमें अवकारार और बाज़ दुआओं का जिक्र है इस एतबार से ये जो हिस्सा है अखलाक और आदाब से मुतालिक है और अख़िर में उसमें अजकार हैं इसलिए कि इमाम बुखारी ने भी अपनी किताब को जिक्र ही पर ख़त्म किया है इब्ने हजर ने भी इस किताब को उसी पर ख़त्म किया है इमाम अलबुारी की इब्तः करते हुए और इब्न हजर का ख़ास तल्ल रहा है सही अलबुखारी से जिसके बारे में मा ने कहा फ़तखुलबारी के बारे में कि ला हजरत तबादलफ है हदीस में जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फतह मक्का के बाद हिजरत नहीं तो इस तरह से फतहुल बारी के बाद अब ज़रूरत नहीं रही सही बुखारी की ऐसी शरह करने की अगरचे बाज़ल ने किया भी है बहुत से ने किया है लेकिन इसके बावजूद कहा गया कि यह गोया कि आखिरी हर आखिर है सही बुखारी के ताल्लुक से और जिस तरह से इब्न हजर ने रह बारी में बुखारी की शरह की है अरवात के अतबार से अववाब की अहादीस से मुनासबत के अतबार से या इसी तरह से अहादीस की शरह के अतबार से उसकी शान नज़ुल और उसके तुर्क के जमा करने के अतबार से या इसी तरह से दूसरे दूसरी किताबों में उसकी ज़्यादात से मुतल ये काम दूसरी किताबों में देखने में वैसा नहीं आता है जैसे फ़लबारी में है और बाद वालों ने जो भी काम किया है कहीं ना कहीं फ़तुलबारी से उन्होंने इस्तीफ़ा किया है तो इस किताब में किताबुल जाजाम में ये छः हिस्से हैं जिनको हम इन न बहुत ज़्यादा तफसील से न बहुत ज़्यादा इख्तिसार से देखने की कोशिश करेंगे इबन हजर रहमल का तारफ़ इसकी ज़रूरत नहीं शेख ने भी बहुत सारी बातें बता दी हैं उनकी यानी उनका नाम अहमद अब्न हजर अलस्कलानी है अ, ये नस्बत है एक इलाक़े की तरफ जो फ़िलस्तिन में है उनके आबा उजदाद उसी इलाक़े से थे लिहाज़ा उनकी नस्बत उस तरफ़ है इबन हजर रही मिस्र के रहने वाले थे उनकी पैदाइश मिस्र ही में हुई और पैदाइश सात सौ तिहत्तर हिजरी की है और वफात आठ सौ बावन हिजरी की है तो अबुलफल शहाबुद्दीन अहमद इबन हजर असकलानी ये इस तरह से उनको याद किया जाता है उनके इस में से इमाम अलबुल्क़ीनी इब्नमलक्राफिदी और इमाम अल अमी ये काबिल ज़िक्र हैं वैसे छः सौ मशाक से उन्होंने इल्म हासिल किया है लेकिन ये काबिल ज़िक्र नाम हैं जो मशहूर के नाम हैं तलाम ए से उनके अलबिकाई जो नवम्द्रर उनकी मशहूर तफसीर है और इसी तरह से सखावी हैं जो हदीस के मैदान में काफ़ी मरूफ हैं तो ये उनके तलाम ए से मशहूर शागिदों में से हैं इनकी किताबों के बारे में जैसा कि शेख ने बतला दिया है मैं उसकी तकरार नहीं करना चाहता बहुत सारी किताबें हैं जो आम तौर से हदीस की शुरुआत, हदीस की तखरीज और हदीस के रिजाल के ताल्लुक से ये किताबें उनकी हैं और इनकी ख़िदमत इसी मैदान की है इनके बारे में मरूफ है कि जब उन्होंने जमजम पिया तो उस वक्त में नीयत की थी हाफ़िज़े की और बाज़ल ने कहा कि इमाम अजाहबी की तरह हाफजे की उन्होंने दुआ या नीयत की थी और जमज़म के बारे में मरूफ़ है हदीस में अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया मा जमजम लिमाशरीबला ज़मजम जिस मकसद से पिया जाए जिस गर्ज़ से पिया जाए वो गर्ज़ पूरी होती है यानी उसी के लिए उसका फ़ायदा देता है और हम जानते हैं कि हाफिद अबिन हजर का हाफ़ा ये बिल्कुल मरूफ़ है हाफिद उनको कहा जाता है और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि उनकी मेहनत भी अपनी जगह है जो उन्होंने हदीस के तल्ल से इस मैदान में की बहरहाल इस मुखसर से तारफ़ के बाद हम असल किताब की तरफ और असल शर की तरफ हम आते हैं ये जो हिस्सा है किताब उजाम है इसमें जैसा कि हमने देखा छः हिस्से हैं आज से हम उस पहले बाब या पहले हिस्से की शरह के देखेंगे और एक एक हदीस करके इन देखेंगे। पहला हिस्सा बाबुल अदब है अदब से मुराद क्या है अदब अरबी ज़ुबान में अदबा या दुब अदबन फ अदीब इस बाब से है करम युम से यह लफ्ज़ आता है इब्न इबन हज रहमल्ला बारी में अदब के लफ्ज़ को समझाते हुए कहते हैं वल अदब इस्तेमाल मायूह मदु का व फैला अदब कहते हैं ऐसे अकवाल और अफ़ाल को अपने अमल में लाने को जिनकी तारीफ की जाए जो काबिल तारीफ़ हों अच्छे अमल के केमाम को अदब कहते हैं व अबराबादो मन हो बे अन हूँ अलाख दो अख़लाक, बाज़ अहल ने इसकी ताबीर इस तरह बयान की है कि ये आला और अशरफ अखलाक़ के अहतमाम को कहते हैं वकील अलक्फ व मायल मनास बाज़ ने ये भी कहा है कि अच्छी चीज़ों पर क़ायम रहने को अदब कहते हैं

بذلك लिखा ले अनहदाही कहते हैं कि बाज़ लोगों ने बाज़ अहल इल में यह भी कहा है कि अदब का लफ्ज़ मदुबा से आया है मदुबा दावत को कहते हैं खाने की दावत को और जिसके लिए लोगों को बुलाया जाता है तो दावत के माना ख़ुद बुलाने के हैं तो अदब का लफ्ज़ दावत के माना में किस तरह से है कहते हैं समि लिखा ले अनः युद्ध कि इसकी तरफ़ बुलाया जाता है इसलिए इसको दबा कहते हैं और इसलिए इसको अदब कहा जाता है यानी अदब से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी लोगों को दावत दी जा सकती है और इनको लोगों को उसकी तरफ़ बुलाया जा सकता है बुलाया जाना चाहिए ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ लोगों को दावत दी जानी चाहिए और जिनकी तरफ जिसकी तरफ लोगों को बुलाया जाए हदीस में भी अदब का लफ्ज़ आया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मारा जुल्न का नत वली जो भी शख्स उसके पास कोई बांदी थी फ़िल्म हाँ फसन तो उसने उस बांदी को अच्छी तालीम दी व अदबहा आ फ़असन और उसको बेहतरीन अदब सिखाया फ़ुम आतकहा फिर उसको आज़ाद किया वह तजव्वजहाँ और उससे निकाह किया फलाजरान तो उसके लिए दो अजर हैं इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने तालीम और तदीब दो अलग अलग चीज़ें बयान की हैं। इल्म और अदब दो चीज़ें बयान की हैं इसे मालूम हुआ कि अदब इल्म के साथ ज़रूरी है सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है बल्कि इंसान की ज़िंदगी में अदब भी होना चाहिए और अदब से मुराद वही अखलाक हैं वही अमाल हैं जो एक इंसान को बेहतर बनाते हैं और अल्लाह से करीब और बंदों से भी करीब करते हैं तो इसी तरह से और एक हदीस इस सिलसिले में इब्न उमर का कौल इसमें है उन्होंने एक आदमी को नसीहत करते हुए कहा अद ابنك، अपने बेटे को अदब सिखा फ़ाका का मसूल अन ماذا माँ وماذا علمتهُ" हूँ व माँ दःता हो ने में इस रिवायत को नक़ल किया है और इसकी सनत जीद है आ, कहते हैं इब्ने उमर अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अपने बेटे को अदब सिखा इसलिए कि तू तु, तुझसे पूछा जाएगा तेरी औलाद के बारे में कि तूने उसको क्या अदब सिखाया और उसको क्या तालीम दी यहाँ भी आप देखेंगे कि इब्ने उमर अल्लाह तार ने अदब और इल्म दो चीज़ें बयान की हैं इसे मालूम होता है कि इंसान के लिए सिर्फ़ मालूम काफ़ी नहीं है बल्कि उस मालूम के मुताबिक अपने अखलाक को बनाना भी ज़रूरी है अपने अंदर उन औसाफ़ को पैदा करना जिनसे एक इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजारता है अच्छे अखलाक़ वाली ज़िंदगी गुजारता है ये इल्म के साथ ज़रूरी है बाज़ात मालूम इंसान के पास आ जाती है लेकिन वो अखलाक नहीं आते हैं जो सेवाम से अपने से बड़ों से अपने से छोटों से उसको निभाना है वह अखलाक उसके अंदर नहीं आते हैं ऐसा इंसान इल्म के बावजूद जाहिर रहता है लिहाजा इल्म हासिल करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो शरी आदाब इस्लामी आदाब का लिहाज रखें अल्लाह के नबी सल्हलम ने एक हदीस में फ़रमायाबै फूअ अदब इमाम अतबरानी ने अलकबीर में इसको रिवायत किया है सैद जाम शगीर हदीस नंबर चार हज़ार बाईस हदीस हसन है आप फरमाते हैं अल चाबुक कोड़ा या डंडा जिसको हम कहें लाठी जो भी हो सकता है जो सज़ा के लिए इस्तेमाल होता है तो चाबुक को या हंटर को लटकाए रखो अल्कोता है तो अहलुल्ब ऐसी जगह रखो जहाँ से सारे घर वालों को दिखाई दे क्यों फ़ इन नहू अदबूम इसलिए कि ये उनके लिए अदब का ज़रिया बनेगा यानी इस्लाम ये चीज़ भी है कि घर का बड़ा लोग उसकी तज़ीम करने वाले हों और इतने बेफिक्र ना हो जाएं कि बद अखलाक़ी पर उतर आएं उनका उसका डर भी उनके दिलों में होना चाहिए यहाँ ये यह नहीं कहा गया कि हंटर इस्तेमाल करो उनकी पिटाई करो बल्कि ये कहा गया कि उसको ऐसी जगह रखो कि लोग देख के ही संभल जाएं और अपने अखलाक को दुरुस्त करें ऐसी कोई ऐसा कोई काम न करें जो अखलाक एतबार से बुरा हो शेख मोहम्मद इबिनब्फ़ीमिन फरमाते हैं वल अदब अब नौान मा अल्लाह व अदबं मा इबादिल्ला फ़त हो जलाकराम जो इसी बुलमराम की शरह है शे की उसमें उन्होंने कहा कि अदब दो तरह का होता है यानि एक इंसान को आदाब अपनाने चाहिए तो किस की नस्बत से है एक अदब है अल्लाह के तल्लक़ से और एक अदब है लोगों के तल्ल से अल्लाह का भी अदब होना चाहिए एक इंसान अल्लाह का अदब अल्लाह से हया करना अल्लाह रब्लमीन पर तोल करना अल्लाह के साथ शरीक न करना अल्लाह रब्लम से दुआ में बंदगी के साथ और रगबत और रहबत के साथ खुशों के साथ दुआ करना और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह के साथ अदब हैं अल्लाह के कलाम का अदब है अल्लाह की बात के मुकाबले में किसी की बात को तरजीह नहीं देना ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह के आदाब में से हैं और बहुत सारे आदाब हैं इसी तरह से बंदों के साथ भी आदाब हैं लोगों का लिहाज करना बड़े छोटे के साथ तमीज़ से बर्ताव करना बड़ों की तज़ीम करना छोटों पर रहम करना का हक जानना ये सारे जो मामलात हैं ये आदाब में से हैं तो अदब सिर्फ बंदों के साथ नहीं होता है बल्कि अब अदब, अदब अल्लाह के मामले में मेम अवला होता है अल्लाह का ज़्यादा हक हम पर है कि हम अल्लाह का अदब करें और अल्लाह के साथ तज़ीम का मामला करें तो ये चीज़ें हैं जो अदब के तालुक़ से थी तो अदब ये पहला बाब है जो इब्ने हजर ने किताबुल जामे में कायम किया है आइए अब हम उसकी पहली हदीस देखते हैं और इस ये हदीस अगच छोटी है लेकिन इसमें छः बातें बयान हुई हैं और ये छः चीज़ें तफसील तलब हैं आज के दरस में हम कोशिश करेंगे कि सारी बातें समझ लें आइए पहले हदीस देखते हैं अन अभी हो रही रथा रदी अल्लाह क़ाल कल रसूल सल्हस حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سيرواته فرماته الله كرسول صلى الله عليه وسلم نفرمايا मुसलमान के मुसलमान पर छः हक हैं वो छः हक क्या हैं इदा इकी तहफ़ सलम जब तू उससे मुलाकात करें तो उसको सलाम कर वह इदा दया का व हो जब वो तुझको बुलाए दावत दे उसकी दावत कबूल कर व इदास्तनसाह का फनसाह हो जब वो तुझसे मशवरा चाहे या खैर की उम्मीद रखे खैर तलब करे तो, तो उसकी खैर खाही कर उसके उसका भला चाह वह इदा आता फमदल्ला फमित हो जब वो छींके और अल्लाह की हमद कहे अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तू तशमीत कर उसकी तफसील हम आगे देखेंगे वह इदा मर हो जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत कर उससे मिलने जा उसकी बीमार पुरसी कर वह इदा मातफा तब हो और जब वो मर जाए तो फिर उसके जनाजे के पीछे जा रवाहु मुस्लिम इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है इबन हजर ने यहाँ पर मुस्लिम का हवाला दिया है लेकिन यह हदीस बुखारी में भी थोड़े फ़र्क के साथ में है इमाम अलबुखारी ने किताबुल जनाइज हदीस नंबर एक हज़ार दो सौ चालीस पर इसको रिवायत किया है तो ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है और इसमें छः बातें बयान की गई हैं सबसे पहला टुकड़ा और सबसे पहली बात इसमें यह है कि हकुलमुस्लिमी अलमुस्लि सित एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छः हकूक़ हैं यहाँ सवाल यह है कि क्या मुसलमान के मुसलमान पर सिर्फ छः हक़ हैं क्या ये बतौर तहदीद बयान किया गया है या सारे हकूक़ में से यहाँ अहमियत के पेश नज़र छः हकूक़ बयान किए गए हैं शेख मोहम्मद इबिनब्फ़ीमी रही फरमाते हैं कौलु हक़ुलमसलिमी आलमसली सि अल्लाह के नबी सल्लाम का यहाँ पर फरमाना कि मुसलमान के मुसलमान पर छः हकूक़ हैं हादा ला यानी अल अलहसर यहाँ मुराद हसर नहीं है यानी कि छः ही हकूक़ हैं बल हुना का हकूक़नुखरा बल्कि मुसलमान के मुसलमान पर इससे ज़्यादा हक़ हैं जिसमें एक देखा जाए तो सलाम का जवाब देना भी एक हक़ है यहाँ पर सलाम करने का जिक्र है लेकिन बाज़ रिवायात में दूसरी एक रिवायत है जिसमें आया है कि जब वो सलाम करे तो तू तो उसका जवाब दे तो ये एक ये ज़्यादा हक़ हुआ और इसके अलावा बहुत सारे और भी हक हैं तो एक बात तो ये मालूम हुई कि यहाँ पर छह बतौर तमसील हैं मिसाल के तौर पर बयान किए गए हैं बतौर तहदीद नहीं है दूसरी बात यहाँ पर है कि हक़ से मुराद क्या है कि मुसलमान का मुसलमान पर हक़ है तो फ़िकी एतबारर् अतबार से इसका हुक्म क्या है क्या ये सारी चीज़ें जो इस हदीस में बयान की गई हैं ये वाजिबात में से हैं लाजिम हैं या ये मुस्तबात में से हैं कि इनका करना अच्छा है लेकिन लाजिम नहीं ये भी देखना ज़रूरी है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों को जानने के बाद इनका अहतमाम न करने की वजह से हम गुनाहगार हो जाए जैसे नमाज पाँच वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है अगर आदमी नहीं पढ़ता है तो आदमी गुनागार होगा कबीरा गुनाह का मरतकब होगा और बाजा के मुताबिक काफिर भी हो जाता है लेकिन तहज्जुद की नमाज़ अगर नहीं पढ़ता है तो गुनाहगार नहीं होता है पढ़ता है तो सवाब मिलता है तो नमाज ही है एक नमाज फर्ज है लेकिन दूसरी फर्ज नहीं तो इन छह चीज़ों का हुक्म क्या है क्या ये लाजिम है या लाजिम नहीं है बस इनकी फजीलत है या ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका न करना गुनाहगार बनाता है आइए इसको भी देख लेते हैं अलाम सनानी कहते हैं सुबुल सलाम में जो बुलमराम की शरह है वल मुराद बिल हक्की मालायम बगी तरकहू कहते हैं हक़ से मुराद वो चीज़ें हैं जिनका छोड़ना किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है व यकून फैलू अम वाजिबन अमंदूबन नदबन मुअक्कदा कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं या तो ये ऐसी हैं कि ये वाजिब हैं या फिर ऐसी हैं कि इनका करना मंदूब है मुस्तहब है लेकिन ऐसा मुस्तहब जिसका अहतमाम बहुत ज़्यादा करना चाहिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है यूं ही कोई नफल चीज़ नहीं है बल्कि तकीद इसकी है शबी हम बिलवाजिबी बगी तरकु हो कहते है ये ऐसा है ऐसा मुस्तब है गोया कि वाजिब हो वाजिब के मुशापा हो जिसको छोड़ना मुनासिब नहीं है सब में ये बात आ, अल्लामा सनाने सनानी ने कही है वाजिब का लफ्ज़ अरबी जुबान में या कुरान सन्नत में आम तौर से हक का जो लफ्ज़ है ये वाजिब के लिए आता है अगर कोई करीन शारफ़ा हो कोई ऐसी दलील हो जो वाजिब से उसको हटाती हो तब तो ठीक वरना आम तौर से जहाँ भी हक़ का लफ्ज़ आए उससे मुराद वाजिब होता है मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि यही हदीस एक दूसरे तरीक़े से अबू हुरर रदी अल्लाह ती से मरवी है और अबू हुरैर इमाम मसलिम ही ने इसको रिवायत किया है लेकिन उस, उसके अल्फाज अलग हैं उसमें पाँच चीज़ें बयान हुई है। आप हैं आप फरमाते हैं रसूल अक्रम सम सुन तहजीबलमसलिम अलाखी पांच चीज़ें हैं जो एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के लिए वाजिब हैं तो यहाँ पर लफ्ज़ वाजिब आया जिससे मालूम होता है कि लाजिम है रद्दास्लामी सलाम का जवाब देना व तश्मीतलायातिस छींकने वाले का अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर जवाब देना व इजाबतुल दावा दुआ यानी पुकारने पर जाना या दावत कबूल करना व्यादतम बीमार की बीमार पुरसी करना यादत करना व तिबाजनाइ और जनाजे के साथ जाना इमाम मुस्लिम ने सलाम में हदीस नंबर दो हज़ार एक सौ बासठ पर इसको रिवायत किया है यहाँ पर दो बातें मालूम हुई एक तो ये कि इस हदीस में बतौर वाजिब उसको जिक्र किया गया है जिससे मालूम होता है कि ये चीज़ें लवाजमात में से हैं और दूसरी बात यह कि यहाँ पाँच चीज़ें जिक्र की, की गई जिनमें एक चीज़ जायद है जो पिछली हदीस में आई थी जिसमें सलाम करने का ज़िक्र था यहाँ पर सलाम का जवाब देने का ज़िक्र है तो हदीस के मुख्त तरक से एक हदीस की वजाहत दूसरी हदीस से होती है इबन हजर रह फरमाते हैं कि यहाँ पर हक़ से मुराद ये है वाहिर अनुमुराद अब ही हू न वजू कहते हैं कि यहाँ पर जो हक़ लफ्ज़ आया है कि छह चीज़ें हक हैं मुसलमान पर एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान पर हक़ हैं कहते हैं कि वजुब किफाया है यानी बाज मुसलमानों में से कुछ लोग अगर कर लें सारे मुसलमानों में से तो काफ़ी हो जाता है लेकिन शेख मोहम्मद इबन अली इबन आदम अलफी कहते हैं अल्कलबिल किफ़ाएत अल्लाकफ़ी ही नवर कहते, कहते अल्लाक ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें फ़र्ज किफ़ाया हैं या अलजुब अल्किफाया हैं कि सारों के लिए ज़रूरी नहीं है कहते हैं फ़ैन नब अल आयानी का तश्मी ताफिस इसलिए कि बस चीज़ें इस हदीस में जो आई हैं वो ऐसी भी हैं कि हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो करे मिसाल के तौर पर छींकने वाले पर छीकने वाले का जवाब देना अलहदल्ला कहने पर यहम कोल्ला कहना ये वाजिब आइनी है कमासन हकू इशल्ला जैसा कि हम तहक़ीक़ में बयान करेंगे वकीरतलकबा में ये बात उन्होंने बयान की है आई अब देखते हैं इन छह चीज़ों का फ़र्दन फर्दन क्या हुक्म है पहली चीज़ बयान हुई इदा लकीता जब मुसलमान से तेरी मुलाकात हो तो तू उसको सलाम कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम ने मुख्तलिफ़ अहादीस में सलाम का हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल सल्ला फ़रमाते हैं अफुलसलाम बी नुम तहबू इमाम हाकििम ने उसको रिवायत किया है सेल जामाम शग़ी हदीस नंबर एक हज़ार छियासी हदीस सही है अब सलाम अब नकुम सलाम को आपस में आम करो एक बात यहाँ मालूम हुई इस हदीस से कि सलाम के आम करने का हुक्म है और जिस चीज़ का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें वो वाजिब होती है और ऐसी कई हदीसें हैं जिनमें सलाम का हुक्म है जिससे गारिर बात ये मालूम होती है कि सलाम करना भी वाजिब है बाज़ अहान में बाज़ अवकात में ये वाजिब हर यानी उस एक शख्स पर होता है और बाज़ हालात में ये आ, वाजिब अल किफाया होता है कि कोई एक कर दे तो काफ़ी इसकी तफसी हम देखेंगे इस हदीस में बात मालूम होती है कि अफशलम सलाम, सलाम को आम करो इससे बाज़लमान इस्तलाल किया है कि सलाम का चुपके से करना सही नहीं है इसलिए कि इसको इफ शाह मुराद उसको ज़ाहिर करना है लिहाज़ा जब हम सलाम किसी को करें तो आवाज़ से सलाम करें अल्लाम कम से कम ये अल्फाज उसके होने चाहिए या अल्लामक वह या इससे जायद अमैक्म वहमत लाही वरक़ात बस इससे जायद में अल्फाज नहीं हैं और यहाँ कहा गया कि आपस में सलाम को आम करो तबू तुम में आपस में महब्बत पैदा होगी इस्लाम ऐसा दिन है जो आपस में महब्बत पैदा करता है और उन्हीं इसबाब में से एक सबब यह भी है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे को सलाम करें बहुत सारी कौमों में आपस में जब मुलाकात करते हैं तो मुख्तलिफ़ तहियात उनके होते हैं मुख्तलिफ़ अल्फाज वो ग्रीटिंग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सैलूटेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का लफ्ज़ इस्लाम का तहिया बहुत उम्दा है अलकुम व वर्कात तीन चीज़ें आप देखें तीनों चीज़ों को आप जमा करें कितनी उम्दा चीज़ है तुम पर सलामती हो शिर से तुम बचे रहो बदात से बचे रहो गुनाहों से बचे रहो बीमारियों से और हर किस्म की परेशानी दुनिया और आखरत की उससे तुम महफूज़ रहो सलामत रहो असल व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत तुम पर हो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए और वर्कात और जो भी ख़ैर तुमको नसीब हो उसमें अल्लाह ताला तुम पर बरकतें नाजिल फरमाएँ आप देखिए सलामती भी इसमें है और रहमत भी अल्लाह की है और ख़ैर में बरकत भी अल्लाह की तरफ़ से इससे बेहतर इंसान किसी के लिए क्या दुआ कर सकता है कि सारे शर से महफूज हो जा सलामत हो जा सारी ख़ैर तुझको नसीब हो लेकिन कलील नहीं बरकत के साथ खैर थोड़ी भी मिल सकती है बरकत के साथ तुझको खैर नसीब हो शर से महफूज खैर का हसूल बरकत के साथ और सबसे बड़ी चीज़ दुनिया और आख़रत में अल्लाह की रहमत क्योंकि जन्नत भी अल्लाह की रहमत है हदीस में जैसा कि आया है तो ये जो तहिया है ये इस्लाम का है मुसलमानों को चाहिए कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हाय हेलो हाउ डू यू डू ये सारी चीज़ें खुराफात हैं मुसलमान को चाहिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मुलाकात करें सलाम करें ये इस्लाम का तरीक़ा है और इसमें दुआ है और इसकी खैर यह है कि वो जब जवाब देता है तो ये भी उसका मुस्तक बनता है जिसकी दूसरों के लिए दुआ कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ एक बात मिली कि यानी अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाएल जब तू मुलाकात करे मुसलमान से तो तू उसको सलाम कर लेकिन हदीस में आता है कि मुलाकात के साथ साथ मुफारकत के वक्त भी सलाम होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाते हैं हैंदमजलिस फलीसम जब तुम में से कोई शख्स किसी मुजलिस में आए तो वो सलाम करे फ़ैदा आरदा अय्या कोमा फ़लीसलम जब वो उठ के जाने लगे तब भी सलाम करे फ़लई सती बक कमिन आखिर पहला सलाम दूसरे सलाम से ज़्यादा हकदार नहीं है या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या है। यानी मतलब यह है कि जितना ज़्यादा ज़रूरी पहला सलाम था उतना ही दूसरा भी है तो इससे बात मालूम होती है कि जैसे मजलिस में आते वक्त सलाम है मिलते वक्त सलाम है उसी तरह से जाते वक्त और मुफारकत के वक्त भी सलाम है इमाम अहमद अबू दाउद तिलमदी इब्न माजा आ, इब, 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 इबन माजा में नहीं है इबन हिब्बान और हाकिम ने इसको रिवायत किया है और सै जाम सगीर हदीस नंबर चार सौ पर अलबानी ने इसको सही कहा है तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि मुलाकात और मुफारकत दोनों के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का हुक्म दिया है सलाम की इब्त करना इसका हुक्म क्या है अबन हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं वद नकला इब्न अब्दुलबर अल्जमा अला अनब्तदा अब सलाम सुन्ना फ़तुलबारी में इबन हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि البر अब्दुलबर الله ने इस बात पर इजमान नकल किया है कि सलाम की इब्तदा सुन्नत है और इमाम नवी रह ने शर मुस्लिम में कहा है कि सलाम की इब्तदा सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है लेकिन बाज़ल ने इस पर एतराज़ किया है मिसाल के तौर पर शेख अलबानी रहमुल्ल फरमाते हैं: हैंतुबी फी तफी ही इजमां कहते हैं कि इमाम इमामबी राम ने इस बात पर इजमान नक़ल किया है का कि सलाम करना एक ऐसी चीज़ है जो सुन्नत है जिसकी तरगीब है और इसमें रगबत दिलाई गई है या ये मरगूब चीज़ है नज़र उन्हें दी है लेकिन इस तरह से अल इतलाक बग़ैर कैद के कह देना कि सलाम सुन्नत है लाजिम नहीं है मेरे नज़दीक इसमें मुलाबा है ये बात सही नहीं है इस इतलाक़ के साथ में सही अल अदब में अदबालमफरदमी अलबानी ने यह बात कही है शेख बिन बिनबाज रहमल से पूछा गया मार्फो अनिल वजूबी फ़िबिदा इसलामी लकलीसल शेख बिन बाज़ से पूछा गया कि सलाम की इब्तः के ताल्लुक से जो हदीस में आया है कि जब तू मुसलमान से मिले तो उसको सलाम कर इसके वाजिब होने को हटाने वाली क्या दलील है

बिन बाज़ रही फरमाते हैं कि सलाम की शुरुआत का वाजिब होना दूर बैद नहीं है यानी ये मुमकिन है कि ये मुराद इससे वाजिब हो इसलिए कि इस तल्लु से जो हुक्म हदीसों में आए हैं वो वाज है। हैं बहुत सारी हदीसें हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व्म ने इस बात का हुक्म दिया है कि सलाम करें इसलिए बाज़ुलमा ये इस बात की बेकायल है कि ये वाजिब है बाज़ूरतों में वाजिब है मसाइल बिन बाज़ में ये बात सफ़ा नंबर दो सौ इकतालीस पर है इसके वाजिब होने की दलील क्या है मिसाल के तौर पर आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं लतदनु लिम लिमलब अब जो आदमी सलाम से शुरुआत न करे जो आदमी सलाम न करे, उसको घर में आने की इजाज़त मत दो लत लिमलम अब्दा अब सलाम ऐसी ताज़ीर ऐसी सज़ा किस को दी जाती है ऐसी चीज़ पर ये सज़ा नहीं दी जा सकती जो छोड़ छोड़ी भी जा सकती हो इमाम इमामबी ने शुआबुल ईमान में ये रिवायत नकल की है शेख अलबानी सैल जाम शग़ी ने सात हज़ार एक सौ नब्बे पर इसको सही कहा है बल्कि आप देखेंगे तबरानी ही के हदीस में इमाम तबरानी ने अवसत में रिवायत नकल की है मम्म अबिलकलामी कबल सलामी फ़ला तुजिबू जो आदमी सलाम से पहले बात शुरू कर दे तुम उसकी बात का जवाब ही मत दो। जो आदमी सलाम से पहले कलाम करें तुम उसका जवाब मत दो हो सैर जाम सग़ी हदीस नंबर छः हज़ार एक सौ बाईस और हदीस हसन है इन अहदीत से मालूम होता है और इस तरह की बहुत सारी अहदीस हैं इससे मालूम होता है कि सलाम का हुक्म है और सलाम शो न करने और न करके बात करने या दाखिल होने की कोशिश करने पर ममानात हदीस में आई है उसको इजाज़त मत दो आने की उसको उसको जवाब मत दो बात का हदीस में ये बात इस बात की तरफ इशारा है कि वाजिब है बाद सूरतों में ये फ़र्द किफाया हो जाता है मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुछ लोग किसी कौम पर उनका गुजर हो वसलमिन मर्र जुलूस जो लोग गए हैं वो बैठने वालों में से उनमें से जाने वालों में से एक आदमी बैठने वालों को सलाम करे यानी कुछ लोग आए कुछ लोगों के पास तो आने वालों में से एक ने सलाम किया जिनके पास वो गए हैं वरत दिनहा उला वाहिद और जिन लोगों ने जिन लोगों के पास ये गए हैं उनमें से एक ने जवाब दे दिया फरमाते हैं अजाना उला एवानहा उला इनकी तरफ से भी काफ़ी है और उनकी तरफ से भी काफ़ी है यानी दस लोग पाँच दस लोगों के पास गए जाने वालों में से एक ने सलाम किया और जिनके पास गए थे उनमें से एक ने जवाब दिया सब ने सलाम नहीं किया और सब ने जवाब नहीं दिया एक ने सलाम किया एक ने जवाब दिया तो आप फरमाते हैं कि यह काफ़ी है इससे मालूम होता है कि ये फ़र्द कि है या ये अलवुजुब अलखिफ़ाया अल्व है हर हर आदमी को सलाम करना ज़रूरी नहीं एक भी जमात की तरफ से सलाम कर दे काफ़ी है और एक जवाब दे दे तो काफ़ी है हाफिद अबू ने इसको हिलियत अलौलिया में रिवायत किया है और सही अल्बान, शेख लालबानी ने सहजाम शगैर में इसको सही कहा है हदीस नंबर सात सौ अट्ठानवे पर तो इस, इस पूरी गुफ्तु से बात मालूम होती है कि अतला के कहना कि सलाम सुन्नत है वाजिब नहीं सही नहीं है शेख लालबानी ने कहा कि यह कैसे हम मान लें एक आदमी मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले और सलाम एक दूसरे को ना करें और इस तरह से कोई भी सलाम ना करे और सब छोड़ दें सलाम को ये कैसे हो सकता है बल्कि सलाम ये वाजिब है और बास ूरतों में जैसा कि हमने देखा ये फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाता है बातों में या बाज़ लोगों को सलाम नहीं करना चाहिए यानी हदीस का जो अमूम है कि जब भी तुम मुसलमान से मिले सलाम कर क्या ये अल इतलाक़ है नहीं बल्कि बज सूरतों में बाज लोगों को सलाम नहीं किया जाएगा मिसाल के तौर पर कोई आदमी पेशाब पख में मशगूल हो उस वक्त उसको सलाम नहीं किया जाएगा जाब जाबिर इबन आब्दुल्ला तआला फरमाते हैं उनसे रिवायत है कि मर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यबूल एक शख्स गुजरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से और आप क़़ाए हाजत कर रहे थे पेशाब कर रहे थे फ़र उसने आपको सलाम किया फ़क़ल रसोल सबा में आपने आके उस शख्स से कहा तनी अती फ़लातुलसलम आलही जब तुम मुझे इस तरह की हालत में देखो तो मुझे सलामत करो फ़ा खन इन फ़लतदा लिखा लम आरोक अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूँगा इस हदीस को इब्न माजा ने रिवायत किया है और हदीस नंबर तीन सौ बावन परदीस मौजूद है और सही है इसी तरह से बातों में गुनाहगार शख़्स को उसकी इस्लाह के लिए सलाम न किया जाए तो ये भी जायज़ है लेकिन इसमें यह देखा जाएगा कि उससे सलाम बंद करने में उसकी इस्लाह होती है या नहीं अगर इस्लाह होती है तो ठीक अगर वह और बिगड़ जाता है तो फिर सलाम बंद नहीं करना चाहिए अलीब अबी तालिब रदी अल्लाह रिवायत है फरमाते हैं मर नबी वसल्लम अला हिम और जुल मतलकुन बख्लूक अल्ला के रसूल सल असम बाज़ लोगों पर से गुज़रे और उनमें एक शख्स ऐसा भी था कि उसने खुशबू लगा रखी थी ऐसी खुशबू जो ज़ाफ़रान वाली होती है जो औरतों के लिए ख़ास है औरतों वाली खुशबू मर्द ने भी लगा रखी थी जाफ़रान के साथ ये मर्द के लिए ममनू है फनवर वलिम वन रजुल अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने उनको देखा जो लोगों में बैठा था उन लोगों को सलाम किया लेकिन इससे एराज किया यानी उस उनको सलाम किया इसको नहीं तोला रजुल आरतनी उस शख्स ने कहाला कि रसूल आपने मुझसे एराज़ किया काला बेना ही जमरचन इसकी दोनों आँखों के दरमियान आग का अंगारा है तो इस हदीस को इमाम अलबुखारी अलदबालमुफरत में रिवायत किया है हदीस नंबर एक हज़ार बीस और यह हदीस हसन है इस हदीस से अहम इस्तलाल किया है कि अगर कोई आदमी किसी गुनाह का अरतक करता है ज़ाहिर करके खुल्लम खुल्ला तो सालहीन में से बाज़ लोग जो बड़े लोग हैं उसको सलाम न करें जिससे उसकी असलाह हो सकती हो डर के कि मुझको सलाम ही नहीं कर रहे हैं तो वो सुधर जाए अगर सुधरने का उसका इम्कान हो तो ऐसे आदमी को तदीब के तौर पर असलाह के लिए सलाम न करें तो ये भी रवा है आप जानते हैं कि तीन साहबा जो अल्लाह के रसूल सल्ला के साथ जंग में शरीक नहीं हुए थे और टालते रहे यहाँ तक कि आप वापस लौट आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त ऐसा भी आया कि साहबा से कहा था कि उसका सला उसको सलाम मत करो और जवाब भी मत दो तो बात ऐसे हालात भी आ सकते हैं लेकिन इसमें आ, देखना ज़रूरी कि इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान इसी तरह से अहल किताब को सलाम नहीं किया जाएगा और यहदीसें आगे भी आएंगी इंशाल्लाह इसलिए तफसील यहाँ जिक्र नहीं की जाएगी लेकिन चूंकि मसले के ज़िम्मन में है इस इसमूम से इसको निकालने के लिए हदीसें भी हैं आपने फरमाया तब यहूद व नसारब सलाम यहूद नसारा को सलाम में पहल मत करो फ़दा लकी तुम अहद अहद हम फी तरीक़िन फ़र्रो अलाअ्यकी कहा कि अगर तुम मजबूर हो जाओ तुम मुलाकात तुम्हारी रास्ते में उनसे हो जाओ तो तुमको तंगी की तरफ ले जाओ यानी तुम उनको सलाम करने पर मजबूर करो तुम सलाम मत करो इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है इसी तरह से मुशरक़ी को भी सलाम नहीं किया जाएगा अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते हैंदा लकी तुम्मशरक़ीना फिर तरीक़ फ़ला तबद उब सलाम जब रास्ते में तुम मशरकिन से तुम्हारी मुलाकात हो तो सलाम में पहल मत करो वर्रो हम अलाअ्यकी और तुम उन्हें तंगी की तरफ ही ले जाओ यानी मुराद ये है कि तुम उन्हें सलाम करने पर मजबूर करो तुम सलाम मत करो इमाम इब्न सुन्नी ने इसको आ, रिवायत किया है और सैल जाम शग़ी हदीस नंबर सात सौ इक्यानवे पर शेख अलबानी ने इसको सही कहा है इस पूरी गुफ्तु से बात मालूम होती है कि इदा लकी तहूफ सल जब मुसलमान से मुलाकात हो तो तू तो उसे तो सलाम कर मालूम कि सलाम मुसलमानों के साथ ख़ास है इसलिए कि मुसलमान का मुसलमान पर हक है ये मुशर्क और कुफ़ार और अहल किताब के लिए नहीं है मुसलमान के लिए मुसलम है मज़ीद ये कि इस अदी से बात मालूम होती है कि आ, सलाम करना ये वाजिब है और हालात में ये वाजिब किफाया होता है फ़र्ज किफाया होता है लेकिन ये ये कहना कि ये आ, सुन्नत है ये मुनासिब नहीं है अगर किसी का कौल ये है भी सुन्नत तो इस इतना मौक्द है गोया कि वाजिब है लेकिन ज़्यादा सही बात यह है कि कहा जाए कि जमूर इसके कायल हैं न कि इस इजमा है दूसरी बात जो हदीस में आई है दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान पर क्या है वह इदा दाया का अजीब हो जब मुसलमान एक मुसलमान तुझको बुलाएँ पुकारें तो तू उसकी पुकार पर जा या जब वो तुझे दावत दे खाने की तो तू तो उसके खाने की दावत में जा दोनों माना इससे मुराद लिए जा सकते हैं इदा का में तुझको जब बुलाएँ तो तू जा यानी मदद के लिए बुलाए एक मुसलमान गिर गए और आपको बुला रहा है मुझको उठाने के लिए आओ मेरी मदद के लिए आओ या कोई मजलूम है वो पुकार रहा है मदद के लिए तो ये भी दावत में आता है ये बुलाना होता है पुकार होती है अरबी ज़ुबान में दया के माना पुकारने के होते हैं तो इन्हीं दावत कौमिल मैंने अपनी कौम को पुकार के दावत दी या अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह को पुकारते हैं तो पुकार के लिए दुआ का लफ्ज आता है तो जब मुसलमान तुझे पुकारे और तुझे बुलाएं तो तू उसकी पुकार पर जा उसकी दावत कबूल कर दोनों माना यहाँ मुराद है सवाल यहाँ पर यह है कि मुसलमान की दावत कबूल करना वाजिब है या नहीं यहाँ पर यह भी जो चीज़ है हक है मुसलमान का मुसलमान पर आइए इसकी तफसील देखते हैं दावत में दो तरह की दावत में फ़र्क किया है एक दावत आम है कभी भी दावत दे दी आइए खाने के लिए वो दावत क्या ये भी वाजिब है या दावत ख़ास तौर से वलीमा की दावत है आम तौर से इसके कायल हैं कि वलीमा की दावत तो वाजिब है ही इसमें कोई खिलाफ़ नहीं है इससे साफ सारी हदीस इस बारे में मौजूद है क्या आम दावतें भी वाजिब हैं आइए इसको हम देखते हैं इस हदीस के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली ने वलीमा की दावत के सिलसिले में फरमाया बे सब क्या क्यालीम बड़ा बुरा खाना है वो जो वलीमा का खाना है कौन सा वलीमा युदा व युथ रकुलमसाकिन ऐसे वलीमे की दावत जिसमें सिर्फ़ मालदारों को दावत दी जाए और जिसमें मसाकीन गबा व फ़करा को छोड़ दिया जाए यानी उनको न बुलाया जाए सिर्फ़ अमीर, अमीर अमीर लोगों को बुला लिया गरीबों को नहीं बुलाया बुरा वलीमा है वो बुरी दावत है वलीमे की फिर आपने फ़रमाया फ़लम फमलम यह दावत है फ़क़त सू और जो उस दावत को कबूल न करे वलीमे की दावत में न जाए उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की है इस हदीस में सराहत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत के बारे में कहा कि जिस आदमी ने वलीमे की दावत कबूल न की उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की इससे मालूम होता है कि दावत में न जाना गुनाह है और इससे मालूम होता है कि वाजिब है तो एक बात तो ये मालूम हुई कि वलीमा दावत वलीमा वाजिब है इमाम अल बुखारी ने किताब निकाह हदीस नंबर पाँच हज़ार एक सौ सतहत्तर और इमाम मुस्लिम ने किताब निकाह में 1432 पर इसको रिवायत किया अल्फाज मुस्लिम के हैं यहाँ एक सवाल ही पैदा होता है कि क्या वलीमे के अलावा दावत भी कबूल करना वाजिब है या नहीं एक हदीस जिसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है इब्ने उमर रضي अल्लाहु तआला नुमास के रावी हैं उसमें वलीमा के अलावा दावत का भी जिक्र मिलता है मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन दूया इला उर्स औ नहूहे फल जिब है जिस को वलीमे की दावत दी जाए या इसी तरह की कोई दावत दी जाए तो उसे चाहिए कि उस दावत को कबूल करे। इमाम मुस्लिम ने इसको किताब निकाह में हदीस नंबर एक हज़ार चार सौ उनतीस पर ज़िक्र किया है इस हदीस से बात मालूम होती है कि वलीमे का ज़िक्र तो इसमें है ही लेकिन इसके अलावा इस किस्म की इस तरह की दावतें और का जिक्र यहाँ पर बताता है कि और भी दावत अगर कोई हो तो उससे भी उसको भी कबूल करना इसका हुक्म अल्लाह के रसूल वसल्लम ने दिया है इस हदीस के रावी कौन है इस हदीस के रावी इब्न उमर रदी अल्लाह तुमा है और एक आम कायदा अहले इल्म के नज़दीक है कि रावी अपनी हदीस को दूसरों से ज़्यादा जानता है रावी अपनी हदीस को ज़्यादा समझता है एक हदीस में ये अल्फाज हैं वब अब्दुल्लाह इब्न उमरा यह

खाते नहीं थे लेकिन दावत में जाते थे क्योंकि उसने बुलाया है तो ये गया और दावत कबूल की लेकिन खाया नहीं उजर कर दिया क्योंकि मैं रोज़ा हूँ तो यहाँ पर यह बात मालूम होती है कि इबन उमर रदी अल्लाह तुमां ने इस हदीस से समझा कि चाहे वलीमा हो या गैर वलीमा हो दावत में जाना चाहिए चाहे रोज़ेदार आदमी हो बल्कि सराहत के साथ एक और रिवायत है जिसको इमाम अल्बी ने रिवायत किया और उसकी सन्त को इबन हज़र रही ने बारी में सही कहा है में हदीस नंबर एक चौदह हज़ार पाँच सौ बयालीस चौदह हज़ार पाँच सौ बयालीस पर यह हदीस है मुजाहिद रहम् कहते हैं रदी अल्लाह रदी अल्लाहुमा दो यौमन इलाता इब्न उमर रदी अल्लाह नुमा को एक दिन एक खाने की दावत दी गई फकाल रजुल कौमी अम्मा अन्ना लोग जो बैठे हुए थे जिनको दावत दी गई थी जिनमें इबन उमर भी थे एक शख्स ने कहा मैं मुझको माफ़ रखें भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा एक शख्स ने कहा कि मुझको छोड़ दें फ़क़ा लहु इब्न उमर रदी अल्लाह उस शख्स से अब्दुल्ल इब्न उमर रदी अल्लाह तुमा ने कहा लाफियत तलक ल आफियत, लक। ला आफियत लक मिन फ़ाम इब्न उमर रदी अल्लाह तम से कहा कि तुम्हारे लिए इसमें छुट्टी नहीं है तुम्हारे लिए इसमें दरगुजर या माफ़ी का मामला नहीं कि तुम ना जाओ तो चल जाएगा चलो उठो और वह आदमी फिर उठा और वो दावत में गया इससे भी मालूम होता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तमा के नज़दीक चाहे वलीमा हो या गैर वलीमा हो दावत में जाना लाजिम था वाजिब था और उसमें जाना ज़रूरी समझते थे इबन हज रही फरमाते हैं वहाद यू मा फ़ाह इब्न उमरा व अन अबिलजाबती ला यामिल हैं किन उमर रदी अल्लाह तुम का ये जो फ़हम है ये इसी बात की तरफ इसी बात की तईद करता है कि यहाँ जो हुक्म हदीस में दिया गया है दावत कबूल करने का ये वलीमे की दावत के साथ ख़ास नहीं है बल्कि जो भी दावत हो उसका कबूल करना वाजिब है शेख मोहम्मद इबन अली इबन आदम अलफ्यूबी कहते हैं रही इसी पिछले साल में उनका इंतकाल भी हुआ है कत तबैयना उनकी मशहूर किताब है जख़ीराबा और भी किताबों की मुस्लिम की भी शर उन्होंने की है आ, लेकिन ये किताब ज़्यादा मरूफ है जख़ीरतुल्बा फ़ी शर हिल मुजतबा सुनन अनसाई की शर है उसमें कहते हैं वह कत तबैयना क तबैयन मक़द्द मिनि هو अन् إجابة अकवाली لقوة बजाबती मतलक़न अदिलती कहते हैं जो कुछ बहस हमने जिक्र की ये सारी बात हमने जो जिक्र की है इन तमाम अकवाल में सबसे राज ये है कि दावत कबूल करना मुतलकन वाजिब है इसलिए कि इसकी दलीलें बहुत कौरी हैं वलमिल्कलो नबिल फ़र्क़ी बेनसी वग़ैरिहा बे दलीलिन सहीन सरी कहते हैं कि जिन लोगों ने फ़र्क किया है कि वलीमा की दावत वाजिब है कबूल करना और दूसरी दावत वाजिब नहीं हैं उन्होंने कोई सही सरह दलील ऐसी बयान नहीं की है जिससे इस बात की तइद हो सके तो शेख मोहम्मद अबिनबिन आदम भी इसी बात के ख़्याल हैं कि दावत कबूल करना वाजिब है इसमें एक इसना है वो ये कि ऐसी दावत में जाना ज़रूरी नहीं बल्कि न जाना ज़्यादा मुनासिब बल्कि वाजिब भी हो सकता है जिस दावत में मुनकरात हों जैसे मसलन कोई वलीमा की दावत है नाच गाना उसमें हो रहा है म्यूज़िक उसमें हो रही है मर्द और औरत औरतें जो हैं आपस में मुलाकात कर रहे हैं औरतें बेपर्दा उसमें घूम रही हैं और सारी कस्म की खुराफा उसमें हैं ऐसी जो दावत है इसमें न जाना ज़्यादा मुनासिब है अबू मसूद रदी अल्लाह तुमा से रिवायत है रदी अल्लाह तन से रिवायत है अन रजुल त्यामन फ़दया एक शख़्स ने उनको दावत दी और बुलाया खाना बनाया और दावत दी फ़ाला अफिल बई थी शोरा शेख अब, अब्दुल्ला अबू मसूद रदी अल्लाह त से पूछा उस शख्स से पूछा अफिल बई थी शोरा तुम्हारे घर में फ़ोटो वोटो हैं तस्वीरें हैं काला नाम उस शख़्स ने कहा कि हाँ फ अब खुला हत्या कसर सो रता सो म दखल उन्हें कहा मैं नहीं आ सकता तुम्हारी दावत में तुम्हारे घर में तस्वीरें मैं नहीं आऊँगा यहाँ तक कि तुम उनको तोड़ दो तस्वीरों को फाड़ दो तोड़ दो मूर्ति है तो उसको तोड़ दो वह आदमी गया उसने तोड़ा फिर उसके बाद ही दावत में उसके घर में गए इस हदीस को इमाम अल्बी ने सुन में रिवायत किया है और आदाबा अफ़ में शेखल्बानी ने इसको सही कहा है इसी तरह से हरतली रदी हरत अल्लाह तम की हरतली रदी अल्लाह तुकी की हदीस है अफवन सनातमन व दयावत रसूल सल्ला फ़रमाते हैं कि मैंने खाना बनाया और अल्लाह के रसूल सल्ला व्लम को दयावत दी फ़जा आ फ़रा आ फ़िल्बई तस्वीर फ़राजा अल्लाह के रसूल सल्लाम आए तो आपने देखा घर में तस्वीर है तस्वीरें हैं तो आप वापस लौट गए आप आए नहीं घर में फ़कुल तुया रसोल्ला माचा तली ने कहा अल्लाह के रसूल आप वापस क्यों लौट गए काला इन नफिल बैत श फ़ी तस्वीर आपने कहा कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ थी जिस पर तस्वीरें बनी हुई हैं वह अनमला इका तला तद खुलबैतन फ़ी तसावीर और फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते हैं जहाँ जिस घर में तस्वीरें लगी हों इमाम इबन माजा ने और इसी तरह से इमाम अबू याला ने इसको रिवायत किया है और अल्फाज अबू याला के हैं और आदाब जिफाफ़ में शेख अलबानी ने इस हदीस को जिक्र करके इसको सही कहा है इससे मालूम होता है कि अगर किसी दावत में मुनकरात हों तो अवला ये है कि आदमी उस दावत में न जाए यह उससे मुसना है ज़रूरी नहीं कि आदमी दलील बंदे को जाना पड़ेगा तो जा रहा हूँ मैं बाज लोग दलीलें ढूंढ लाते हैं इसी चीज़ों के लिए ऐसी दावत जिसमें मुनकरात हो शरीयत की मुखालफत हो उसमें नहीं जाना चाहिए तीसरी चीज़ हदीस में क्या है वह इधरस्तन साह का फनसाह हो जब वो तुझसे नसीहत तलब करे तो उसे नसीहत कर या जब तुझसे वो खैर खाही की उम्मीद रखे या खैर खाही तलब करें मशवरा तलब करें तो उसे सही मशवरा दे उसकी खैर खवाही कर भली रहनुमाई कर सही रहनुमाई कर एक रिवायत में यहाँ पर यहाँ ने हदीस के अल्फाज देखिए ये कि जब तुझसे नसीहत तलब करे खैर खाही तलब करे मशवरा तलब करे तो यहाँ तलब करने की कैद है लेकिन बाज़ रिवायत में आता है वाहू गाबा और शहीदा कि मुसलमान के लिए लाजिम है कि वह अपने भाई की खैर काही करें चाहे वो ग़ायब हो या हाज़िर हो यानी ये नहीं कि वो तुम्हारे सामने है, तो तुम उसके साथ भला चाह रहे हो पीछे गया तो गईबत कर रहे हो उसके साथ चुगल खोरी कर रहे हो या उसके लिए कुछ शर के काम कर रहे हो और सामने वो तो खैर खाही है इकराम है भलाई है नहीं चाहे वो आपके सामने हो या वो मौजूद ना हो मुसलमान पर लाजिम है कि उसकी खैर खाही जैसे मसल उसकी कोई गईबत कर रहा है उसकी मुदाफ़्यात करना उसका डिफेंड करना उसको डिफेंड करना तो मुसलमान का भला चाहना मौजूद हो सामने या ना हो ये लाजिम है इमाम तिरमिदी और नसी ने इसको रिवायत किया है में सगीर हदीस नंबर पाँच हज़ार एक सौ अट्ठासी और हदीस सही है नसीहत के माना क्या है इबन अफ़ी रहमल फरमाते हैं इरादतुलख़ैरी लमसोही ये जो नसीहत जिसकी खैर की जा रही है उसके लिए खैर का इरादा करने को कहते हैं कि आपके दिल में उसके लिए भलाई का इरादा हो आप उसका भला चाहते हो इसको नसीहत कहते हैं उर्दू ज़बान में हमारे यहाँ पर किसी को ग़लती पर टोकने को नसीहत कहते हैं कि नसीहत करो इसको ज़रा देखो ये फुला गलती करता है शराब पीता है या ये जुआ खेलता है या सिगरेट पीता है इसको नसीहत कीजिए तो यहाँ पर किसी की किसी को तमबीह करने को नसीहत कहते हैं लेकिन अरबी ज़ुबान के अतबार से लफ्ज़ बहुत वसी है भला चाहना खैर खाही खैर का इरादा किसी के लिए करना उसको नसीहत कहते हैं इरादतुल इरादतुल्खैरी मंसूह लहू अनहा में ये बात अल असीर ने कही है नसीहत की हकीकत क्या है शेख मोहम्मद इब्न इबन इब्न रहम् कहते हैं अन नसीहतु अन तख्तार लहू इतक इस्तनसाक, मा तख्तारहू तख्तारहूलिनफिक यानी उसकी भलाई चाहना का मतलब क्या है मतलब यह है कि जब वो खैर की उम्मीद तो उससे रखता है तो उसके लिए वही पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है उसके लिए वही पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है जैसे कोई आदमी मसलन आपसे पूछ रहा है कि ये बिजनेस मैं करूं या नहीं करूं? अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं जिस बिज़नेस में हूं अच्छा है अगर मैं इसको कह दूं कि ये बिजनेस करो इसमें फ़ायदा है एक कंपटीटर मेरा पैदा हो जाएगा एक हरीफ मेरा एक मुकाबिल मेरा पैदा हो जाएगा कहीं मेरे पड़ोस में आके दुकान डाल दे मोबाइल की तो मुसीबत हो जाएगी मेरा बिजनेस खा जाएगा तो कह रहे नहीं आप कपड़े का बिजनेस करो कहा कि यह गलत है तो जो अपने लिए पसंद करता है जिसमें तू अपनी भलाई समझता है वही मशवरा उसको दे वही उसके लिए पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है अपने लिए पसंद करता है कि तेरा इकराम किया जाए तेरी कोई गीबत ना करे तेरे साथ कोई धोखेबाजी ना करे तो उसके लिए भी वही पसंद कर तो नसीहत का मतलब ये है कि एक, एक इंसान दूसरे के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़रमाते हैं ला युमिनु लाद कुम हैब्बली अ़ीही माँ हिब्बली नफसी तुम में से कोई शख्स वाकई ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि वह अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है बुखारी हदीस नंबर तेरह सही मुस्लिम में हदीस नंबर पैंतालीस सनानी कहते हैं कौल हो इस्तन साह का आई कल मिन कर नसीहत फ़न साह हो हदीस के अल्फाज हैं जब तुसे नसीहत चाहें तो तुसे नसीहत कर कहते हैं दलील على وجوب नसीहती मयस्तन से وعدم الغش लहू कहते इस बात में इस बात की दलील है ये कि जब तुझसे वो नसीहत तलब करें अब तो तुझ तेरे लिए वाजिब है कि तो उसकी खैर खाही करे क्योंकि वह तेरे पास आया तो उससे उसने मुतालबा किया अब तो उसको धोखा नहीं दे सकता है उसको धोखा न देना और उसकी सही रहनुमाई करना उसके लिए भलाई चाहना ये वाजिब है अगर वो चाहे वहिर होन्ना जिबू नसीहत होन्द तलबी हदीस का जाहिर यह है कि जब तक एक मुसलमान आपसे नसीहत तलब न करे नसीहत वाजिब नहीं है व नुस् ब़ैर तलबिन मंदूब और कहते हैं कि बग़ैर तलब के किसी का भला चाहना ये मस्तब है बग़ैर तलब के किसी की खैर कहि करना ये मस्तब है सब असलाम में ये असनानी ने बात कही है हर मुसलमान की खैर कही करना चाहिए ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों ही की खैर कही करे अपने घर वालों की नहीं सारे मुसलमानों की और अल्लाह के नबी सल वसम जब कोई आदमी बैत करता तो उस बैत में ये भी उनसे बैत लेते थे कि तुम हर मुसलमान की खैरखाई करोगे इससे इस बात की अहमियत मालूम होती है कि मुसलमान दूसरे मुसलमानों का भला चाहने वाला होता है ये मुसलमान के आला और में से है कि वह हर मुसलमान का भला चाहे हती कि अपने दुश्मन का भी भला चाहने वाला हो कि वह तोबा कर ले अपनी असलाह कर ले अल्ला उसकी मफ़रत कर दे उसका भला चाहने वाला हो अनजरी वक़्त हम अपने दुश्मन के लिए चाहते हैं। वो गलती करे बेजत हो जाए लोगों के अंदर गलत साबित हो जाए नहीं होना चाहिए ऐसा आदमी अपने मुकबिल अपने हरीफ अपने दुश्मन की भी खैर खाही चाहे इमाम शाफी रहमत वगैरह के बारे में मरूफ है कि जब वो अपने मुकाबिल से मुनाजरा करते तो नीयत ये करते कि हक़ अल्लाह उसकी ज़ुबान से जाहिर करे यानी हम हम मुनाजरा किसी से करते हैं क्या चाहते हैं कुछ तो गलत बोले कि पकड़ू मैं उसको आप क्यों चाह रहे हो क्यों गलत बोले आप क्यों चाहते हो कि वो गलती करे आप भला चाहें अल्लाह उसको मुनावरे से पहली खैर की तोफीक़ दे दे वो सही बोले वही बोले जो मैं बोल रहा हूँ क्यों न ऐसी उम्मीद आदमी करे क्यों न ऐसी नीत और चाहत और दुआ आदमी करे ये दिलों का बिगाड़ है और गलबे की चाहत है और नफ्स के उलों की अलामत है कि इंसान इस तरह की चीज़ें चाहता है जरीर इब्न अब्दुल्ला अलबली रबी अल्लाह तवायत है फ़रमाते हैं बात रसूल अल्लाहादत अन् महमद रसोल्हा मैंने अल्लाह के रसूल सल्ह सब की इस बात पर के इस बात की गवाही देने पर कि अल्लाह के सिवा कोईत के लायक नहीं और महमद सल्ला व्लम अल्ला के रसूल हैं व इामी व इता इज्जा और नमाज क़ायम करने और जक़ात देने की बैत की व सम व अपने हाकिम अपने अमीर की बात सुनने और मानने की या फरमाबरदारी करने की बैत की व नुस्ली कुल्ली मुसलमिन और इस बात पर भी बैत की कि हम हर मुसलमान के साथ खैर खवाही करेंगे हर मुसलमान का भला चाहेंगे मालूम युवा कि दिन इस्लाम में मतलूब यह है कि एक मुसलमान तमाम मुसलमानों का भला चाहने वाला हो इमाम अल-बुखारी ने अल अलबय में हदीस नंबर दो हज़ार एक सौ सत्तावन और इमाम मुस्लिम ने किताब ईमान में हदीस नंबर छप्पन पर इसको जिक्र किया है अल्फाज बुखारी के हैं तो ये बात मालूम हुई कि तीसरी चीज़ जो हदीस में आई है वो ये कि हम मुसलमानों की खैर खाही करें नंबर चार वह इदायाता फमिदल्लाशमित हो जब मुसलमान छींके और अल्लाह की हमद करे तो तुम उसकी हमद पर तश्मीत करो हदीस में ये लफ्ज़ दो तरह से आया है तश्मीत शीन के साथ और तस्मीत सीन के साथ में नुक्ते वाले बग़ैर नुक़े रिवायत में तस्लीम तस्मीत भी आया है सही मुस्लिम में है व इदाशा फ हमदल फ समित सही मुस्लिम में हदीस नंबर दो हज़ार एक सौ बासठ पर यह है तो तश्मीत और तस्मीत दोनों लफ्ज़ यहाँ पर आए हैं क्या मुराद है इससे जब मुसलमान छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ही उसके जवाब में कहना अल्लाह तुझ पर रहम करे बार लोग या रहमकुल्लह कहते हैं ये सही नहीं है या नहीं वहां पर यरहकल्ला है यानि अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे तश्मीत के माना क्या है इमाम अन्नावी रम फरमाते हैं सैलब से नकल करते हुए कहते हैं माना हो बिली अब व बिलमोह थी हुआ मिन थी वह अलका तश्मीत का मतलब क्या है और तस्मीद का मतलब क्या है कहते तश्मीत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला दुश्मनों की शमातत को तुझसे दूर करें शमाता किसको कहते हैं तश्मीत शमात से है शमाता ये है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए और उसको देख कर आपके दुश्मन खुशियाँ मनाने लगे इसको शमाता कहते हैं हदीस में इससे पना मांगी। तुल आदा से बचा। यानी ऐसी मुसीबत जिस पर मेरे दुश्मन जश्न मनाएं ऐसी ऐसे हाल से मुझको बचाए रखे तो तश्मीत का मतलब होता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए चाहे कभी तेरे दुश्मनों को अल्लाह ऐसा मौका न दे कि वो जश्न मनाए कभी अल्लाह तुझ पर ऐसा हाल न डालें कि तेरे दुश्मन खुश हो जाए तश्मीत का मतलब ये होता है तस्मीत का मतलब क्या है कहते हैं कि समत से है ये लफ्ज़ क्या है समत से है और समत के माना होते हैं अलकसुदा यानी म्यान रवी गुलू भी नहीं और कोताही भी नहीं इन दोनों के दरमियान आदमी चलता रहें और हिदायत पर बाकी रहें इसको समत कहते हैं समत के दो माना हैं हिदायत पर बाकी रहना और न हद पार करना गुलू करना और ना जितना करना है उससे कम करना न बिदात और न कोताही तो एक इंसान समत पर रहे हसन हदीस में जैसे आया है तो आ, ये जो चीज़ है तस्मीत से मुराद ये है कि अल्लाह तुझको हिदायत पर बाकी रखे और तुझको गुलू से भी बचाए और जफा से भी तो ये दोनों दुआएं बड़ी प्यारी दुआएं हैं जो तश्मीतलातिस या तस्मीतलातिस में आती हैं लेकिन यहाँ पर हदीस में अल्फाज है कि जब वो छींक और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तब कहना है यानी कि वो छींकता जा रहा, रहा, या रहमकुल्ला, या रहमकुल्ला रहा है और आप यह रहमक यम्ला कह रहे हैं नहीं बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तभी कहना है अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है तो आप भी उसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि कहा नहीं तो जवाब क्या चीज़ का देंगे आप जब उसने हमद ही नहीं की है तो जवाब किस चीज़ का देंगे तो तश्मीद का मतलब हमद का जवाब देना है अल्लाह के रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं फ़दा आतासा अहद व الله. अब यहाँ पर सवाल यह है कि आतिस क्या ये सुन्नत है मुस्तहब है वाजिब है या फर्ज़ कि है या अलुजुब अल किफ़ाया है क्या है इसका हुक्म क्या है यानी कोई आदमी है मैं में पचास लोग बैठे हुए हैं तो क्या उसका अलहमद का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं या एक आदमी दे, दे दे तो सबकी तरफ़ से काफ़ी है इसका हुक्म क्या है अल्लाह के रसूल सल्लासम के हदीस से मालूम होता है कि ये चीज़ फ़र्ज़ आन है और ये लाजिम है मिसाल के तौर पर हदीस में आप फरमाते हैं فاذا عطس احدكم وحمد الله जब तुम में से कोई शख्स छींके और अल्लाह की حمد करे अल्हम्दुलिल्लाह कह के छींक कर काना हकन अला كل مسلمن سمعه ان يقول له يرحمك الله आपने फरमाया हर मुसलमान पर यह हक है जो कोई उसकी حمد को सुने हर मुसलमान पर यह हक है लाजिम है कि वह यहमकल्ला कहे। इस हदीस को इमाम अलबुखारी ने सही बुखारी में रिवायत किया है किताबुल अदब में हदीस नंबर 6226 पर इस हदीस से बात मालूम होती है कि आतिस ये ये वाजिब है और हर शख्स पर चाहे मदीस में सारे लोग बैठे सबके लिए वाजिब हैं इब्ने कईम रहमत फरमाते हैं और इसका इशारा आप पहले देख चुके हैं शेख मोहम्मद इब्ने

पर जवाब देना फ़र्ज़ आन है जो छींकने वाले को हमद करता हुआ सुने वला युज उतश्मीत्यान हम मजमे में कई लोग हों तो कोई एक हीम्कल्ला कह दे तो सबकी तरफ से काफ़ी नहीं होता है वहादाद कलमा वख्तारहु इब्न अबी जदन व अबू बकर बकरबनलाबी अलमालिकीन वाला दाफाल इबन कईम रहमत फरमाते हैं येमा के दो अकवाल में से एक कौल है बाज़ कहते हैं कि ये फ़र्ज किफ़ाया है बाद ने कहा फ़र्ज़ आय है और दो मालिकीमा इबन अबी जैद और अब बकरनबी इबन अरबी, अरबी व नहीं सूफ़ी इबन अरबी अलमालिकी जिनकी तफसीर है अकाम अहका, तो इन दोनों का एक कौल है और इबन रहमत लरमाते हैं वाफ़ आ इससे छुटकारे के लिए कोई और दलील नहीं है या इस कौल को दूर करने दफ़ा करने के लिए कोई दलील नहीं है इसके वजूब को दफ़ा करने के लिए तशरीफ़ के लिए इसको करीन सारफा कोई नहीं है मालूम है कि ये फ़र्ज़ आयन है लाज़िम है जादलमाद में ये बात इमन क़ीम रहत ने कही है लेकिन इसमें इसतिसना ये कि अगर आदमी तीन मरतम छीखें तो उसके बाद जवाब देना लाजिम नहीं होता है अल्लाह के नबी सल फ़रमाते हैं युशन फमा आजादा फहअ मसकू तीन बार तक के छींकने वाले के अल्हदल्ला अलह, का जवाब दिया जाएगा इसके बाद भी अगर वो छींकता रहे और अलहद ला कहता रहे तो ज़ुकाम उसको हो गया है अब उसका जवाब नहीं दिया जाएगा और आप सल्ला वसलम से भी इस तरह से मरवी है बाद रिवात में एक भी आया बाद में दो आया है और बाद में तीसरे का भी अहतमालिक्र हुआ है उसकी तफसीर में हम नहीं जाएँगे लेकिन इस हदीस से सराहत इसकी होती है कि तीन मरतबा तक जवाब दिया जाए उसके बाद नहीं पांचवी चीज जो हदीस में आई है वह इदा मरेवा फायद हो अगर वह बीमार हो जाए तो उसकी इयादत कर बड़ा इबन आज रदी अल्लाह से रिवायत है अमारा रसूल सब इन अल्लाह के रसुल्ला ने हमको सात चीजों का हुक्म दिया इसे मालूम होता है कि यहां पर हुक्म दिया गया है और हदीस के अल्फाज खुद हुक्म वाले हैं बेदतलमरीब जिसमें सबसे पहले आपने बयान किया मरीज़ की यादत व तिबाल जनाइज़ जनाजे के पीछे जाना व तश्मीतलाक़स छींकने वाले को उसकी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देना व न सुरबाइफ़ कमज़ोर की मदद करना व वाउनमूम मज़लूम की नुसरत करना व इफ़ा इस्लाम सलाम को आम करना व इब्रलमकसम व इब्रल वब्रमसम कसम खाने वाली की कसम को पूरा करना मुराद इब्रार्मसम सेलमां ने कहा शेख बिन बाज़ ने कहा ऐसे मुराद ये है कि अगर आपका कोई भाई है मसला कसम खा ले अल्लाह की कसम तो मेरे साथ खाओगे मसला तो अब उसने कसम खा ली अगर आप नहीं खाओगे उसके साथ तो उसकी कसम टूट गई तो इस तरह से यानी अगर कोई कसम खाता है तो इकराम अगर मुमकिन हो कोई हर्ज ना हो तो उसकी कसम को भी पूरा करना ये ज़रूरी है इमाम अल-बुखारी ने किताब अस्तदान में सही बुखारी में इसको रिवायत किया छः हज़ार दो सौ पैंतीस और सही मुस्लिम में दो हज़ार छसठ परी मौजूद है और अल्फाज बुखारी के हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ की इयादत का हुक्म दिया है मरीज़ की इयादत का हुक्म क्या है वाजिब है या नहीं या मुस्तहब है सनानी कहते हैं फ़ी दलील अला वजूब यादतिलमुसलमिलमसलिम इस हदीस में दलील है इस बात की कि एक मुसलमान के लिए वाजिब है कि दूसरे मुसलमान की यादत करे वज़ज़ वज़म्लबुखारी यु बे हा और इमाम अलबुखारी ने भी इसी के वजूब का बाब कायम किया है और जज्म के साथ इसको कहा है कितम फ़र्द किफ़ाया लेकिन मेंब्बाज़ ने यह भी कहा है कि इस बात का भी एहतमाल है कि ये फ़र्ज किफ़ाया हो यानी मुसलमानों में से अगर कोई मुसलमान यादत कर लेता है मरीज़ की तो सारों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो भी यादत करें वजहबल जमहूर अला अनह मंदूब आम तौर से ज़्यादातरमा इसके कायल हैं कि ये मंदूब है मुस्तब है वाजिब नहीं है व नवीजमा अल अलादमिलजूब और इमाम अनवी ने इसके अदम वजूब परजमा नक़ल किया है कालमुसनफ़ यानि अलल आयान यानि इमाम मुसनिफ़ यानि सबलम के मुनफ़ कहते हैं सनानी के मुराद ये है कि हर हर आदमी पर वाजिब नहीं है कि वो यादत करे सब सलामी बात सनानी ने कही है। शेख मोहम्मद इब्सा इब्न वफ़ीमिन रही फरमाते हैं वाहिबला मरीज़ की यादत करना वाजिब है या नहीं लाजिम है या नहीं कहते अक्सरमा यला अनना सुन्ना कहते अक्सरौलमा इस तरफ गए हैं कि मरीज़ की आदत सुन्नत है व सवाब अन्ना वन किफ़ाई कहते सही बात यह है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है सही बात यह है कि फ़र्ज़ किफ़ाया है यानी एक मरीज है और कोई भी उसकी आदत नहीं कर रहा है उसी तरह पड़ा हुआ है तो ये मुनासिब नहीं है हाँ अगर कुछ लोग उसकी आदत कर लेते हैं और उसकी ज़रूरियात को पूरी हो जाती हैं उसकी मसला हल हो जाता है उसकी निगरानी कोई करता है सारों पर ज़रूरी नहीं है कि उस मरीज़ की आदत करें लेकिन ये सिर्फ मुस्तहब नहीं है बल्कि वाजिब है लेकिन हर एक पर भी वाजिब नहीं है बाज़ लोग इस जिम्मेदारी को अदा कर दें तो सबसे साकित हो जाता है वरना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होगा कि दुनिया भर में जितने मरीज हैं सबकी आदत करें नहीं व वह अन्ह यजिबुलवासलमसलिम व अल्लाको कहते हैं कि मुसलमानों में से एक मुसलमान पर वाजिब यानि अनह जी बोलवादी याउलमस्तमून यानी एक मुसलमान के लिए वाजिब है कि मुसलमानों में से बाज की यादत करे यानि मुसलमान की यादत करे वो वह अल्लाकू हो और मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है मुनासिब नहीं है कि वो किसी मुसलमान की यादत को तर्क करें यानी वाजिब किफाई है बाज़ लोग कर लें तो ना। सबके ज़िमे से साकित हो जाता है फत दिल जलाल में ये बात शेख हुसमिन ने कही है आखिरी बात हदीस में है वह इदाम फत तब हो कि जब मुसलमान मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जा इन हज रहम फरमाते हैं वाहिर वा मुराद अब ही हू ना वजूबुल्किफ़ाया जाहिर हदीस से यह है कि इन तमाम चीज़ों के बारे में कि ये वाजिब अल्किफाया है हर एक पर लाजिम नहीं है शेख अलबानी कहते हैं आ, कहते हैं कि वजायकमिनम थीमस्लिमी अल यी वमलनाजा तिवत्ती बागुआ कहते हैं कि जनाजा उठाना उठाकर कंधों पर ले जाना और उसकी उसके पीछे चलना ये मुसलमान के लिए वाजिब है और वजायल कमिन हक़िलमै थी अलमुसलिम अलमुसलम ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमानों पर एक मुर्दा या मैत मुसलमान का मरने वाले मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमानों पर अकम उ में मुशल अलबानी ने बात कही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म दिया है आपने फरमाया फरमायादुलमरीगा वब तब उजनाइज़ तो कि मरीज की इयादत करो जनाज़े के पीछे जाओ ये तुम्हें आखिरत याद दिलाता है यानी क्यों करो ये मरीज़ की इयादत से जनाजे के साथ चलने से आदमी को आख़रत याद आती है बीमारी और मौत इंसान को आख़रत याद दिलाती है लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वो मरीज़ की आदत करें और जनाज़े के साथ जाए इमाम अहमद इब्न हब्बान ने इसको रिवायत किया है और अल-अदबुल अदबालमुफरद में भी शेख आ, शेख लालबानी ने इसको आ, इसकी तहक़ीक़ में इसको सही कहा है और इमाम बुखारी ने अदब में इसको ज़िक्र किया है पाँच सौ अठारह पर जनाजे के साथ जाना ये हर मुसलमान पर वाजिब नहीं है बल्कि मुसलमानों में से बाज अगर इस जिम्मेदारी को अदा कर दें तो सबकी तरफ से ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है अगर कोई भी ये ना करे तो सारे मुसलमान गुनाहगार होंगे जनाजे के साथ जाने की फजीलत क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन खरज मा मिन बैतिहा हत्ता तब अहा हतफन कानूकान मिन अजरन कुल्लुरातन मिसल अज्ज जो शख्स जनाजे के साथ जाए उसके घर से जनाजे के साथ निकले और उस पर जनाजे की नमाज भी पढ़े फिर जनाजे के साथ जाए यहाँ तक कि वो दफन हो जाए यानी घर से निकल कर जनाजा पीछे जाए जनाजे की नमाज़ हो उसके बाद कब्रस्तान जाए वहाँ पर उसको दफन करने तक शर्क रहे ये सारी चीज़ें करें तो कह फरमाते हैं कि का न लहो क़रातान मिन मिन उसके लिए दो किरात अजर हैं और हर किरात ओहद पहाड़ के बराबर सवाब है हर किरात ओहद पहाड़ के बराबर सवाब है वन सल सुम र जा न लहो मिनल अजरी मिसल्दिन और जो आदमी नमाज में शरीक रहा फिर वापस लौट आया जनाजे के साथ नहीं गया जो आदमी नमाज में शरीक रहा जनाजे की नमाज में उसके लिए एक अजर है और का नहो मिनल अजरी मितल्दी एक वहद पहाड़ के बराबर उसको शवाब मिलता है तो इसे भी मालूम होता है कि जनाज़े की नमाज हो या इसी तरह से जनाजे के साथ जाना हो ये फ़र्ज़ किफ़ाया है ये फ़र्ज़ नहीं है सबके लिए लाजम नहीं है इमाम अलबारी ने किताब इईमान हदीस नंबर सैंतालीस और इमाम मुस्लिम ने किताबल जनाइज नौ सौ पैंतालीस पर इसको रिवायत किया है अल्फाज मुस्लिम के हैं तो ये सारी बातें हमने देखी इस हदीस में जो बयान की गई हैं और इस्लाम में मुसलमान के हकूक़ बयान किए हैं इब्ने हजर ने इस हदीस को इस बाब को या इस हिस्से को इससे शुरू किया है कि मुसलमान के मुसलमान पर हक जिक्र किए जाएँ और सबसे पहले सलाम मैं दोहरा देता हूँ ताकि याद रहें इसका अहतमाम को तौफीक अदा फरमाए इन चीज़ों की कि छह चीज़ें ये हैं एक सलाम करना जब भी मुलाकात हो दो जब मुसलमान दावत दे उसको कबूल करना इला के कोई उज़र हो तीन जब वो ख़ैरखाही चाहे नसीहत चाहे मशवरा चाहे, सही मशवरा देना सही रहनुमाई देना भलाई चाहना और चार जब वो छीं के अलहमदिल्ला कहे यह रहा कहना जब वो बीमार हो जाए तो उसकी यादत करना और जब वो मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाना ये सारी चीज़ें हैं जो हकूक़ हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमानों पर और यह हदीस हमको सिखाती है कि इस्लाम आपसी भाईचारगी का दीन है जिसमें एक मुसलमान के दूसरे मुसलमानों पर हक़ होते हैं और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है कि दुख दर्द में वो उसके काम आए उसका भला चाहे और उसके साथ ताल्लुकात को जोड़े रखे, उसकी तकलीफ़ में उसकी परेशानी में उसके काम आए तो उसका दिल रखें, उसकी दिलजोई करें उसकी दावत को कबूल करें इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आती हैं इन चीजें हैं जो हदीस में आई हैं इसके अलावा इनशा तफसील से उसको भी हम अगले दरस में देखेंगे अकूलहादफ़ी वालकम्म